हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चाइनीज मांझा से बाइक सवार युवक का हुआ मुंह लहूलुहान। जोधपुर स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन नजदीक आने के साथ ही यहां पतंग उड़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पतंग के साथ यहां बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा भी बेचा जा रहा है। इस चाइनीज मांझे की चपेट में आने से रविवार को एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मांझा की धार से उसका मुंह लहूलुहान हो गया। उसे 9 टाके आए और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत की गई। दरअसल पुलिस लाइन के सामने कैलाश भवन निवासी रमेश सोनी रविवार को रातानाड़ा क्षेत्र में द फर्न होटल के पास बाइक पर जा रहे थे, तब एक कटी पतंग का चाइनीज मांझा उनके हेलमेट पर आकर अटक गया। इससे उनके मुंह, नाक और सिर पर मांझा की धार लग गई और वहां चीरा लगने पर खून निकलने लगा। उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें 9 टाके आए। इस संबंध में उनके पुत्र राहुल सोनी की तरफ से चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रातानाड़ा पुलिस थाना में शिकायत भी दी गई। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।